तो मैं सोनू यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। और पुराने व नए सब्सक्राइबर्स जो जुड़ रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं मॉक टेस्ट ऑन आधुनिक भारत पे लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के 30 से 32 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स ये जान लें। वो फैक्ट्स ये हैं कि जो यूपी की विधानसभा जो अभी हाल ही में जो सरकार जो है मतलब चल रही है योगी सरकार, वो 17वीं विधानसभा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी विधानसभा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 17वीं विधानसभा है। ठीक है, टोटल सीट्स कितनी है, 404 है, जिसमें से 403 इलेक्ट होके आते हैं और एक राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो उनका नाम है राम गोविंद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के हैं और ये बलिया से जो है जीते हुए हैं टिकट। जो स्पीकर हैं उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित जी और ये जो है ये कहाँ के हैं, उन्नाव से जो है, उन्नाव के भगवंत नगर से। ठीक है दोस्तों, और ये साहित्यकार हैं और वह लेखक भी हैं। कौन, हृदय नारायण दीक्षित जी। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। तो 17वीं विधानसभा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट ऑन आधुनिक भारत। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कब किया गया। ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1815 या ऑप्शन डी 1839। क्वेश्चन नंबर टू, महाराष्ट्र का सुकरात किस के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। प्रश्न नंबर तीन, प्रसिद्ध आधुनिक भारत के सुधारक जो हैं धोंदो केशव कर्वे, जिन्हें डी के कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, वो किससे संबंधित मेनली माने जाते हैं। दलित उत्थान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्त्री उत्थान से, ऑप्शन सी क्रांतिकारी गतिविधियों से, ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालयों के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फोर, दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं उपाधि दी गई जिनको राष्ट्र द्वारा, तो सी आर दास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी C.F. एंड्रूज, ऑप्शन डी वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, कहाँ पारित हुआ। ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑप्शन ए M.G. रानाडे, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी फजलुल हक या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, दारुल उलूम, आपको याद होगा कि 2016 में जो है पूछा गया था एक क्वेश्चन, मैं बताऊंगा पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दारुल उलूम की स्थापना जो कि लखनऊ में कब हुई, 1984-85 के दौरान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1982-83 के दौरान, ऑप्शन सी 1980-82 के दौरान या ऑप्शन डी 1983-85 के दौरान। अहमदिया आंदोलन जो 1889 ईस्वी में जो है बना, उसके प्रेरणकर्ता आरंभकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए नौनोतवी व रशीद अहमद जी, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, सी सिबली नुमानी या डी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। सती प्रथा पर जो है नियम 17 के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तो ये किसके शासनकाल में लगाया गया था। ऑप्शन ए एलन ब्रो, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। नरबलि प्रथा किसके शासनकाल में जो है समाप्त किया गया। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी एलन ब्रो, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब की गई। ऑप्शन ए मई 1938, ऑप्शन सी मई 1939, ऑप्शन बी मई 1941, ऑप्शन डी मई 1940।
द इंडियन स्ट्रगल बुक, भारतीय संघर्ष, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन डी वी डी सावरकर द्वारा। द इंडियन ओपिनियन क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी द्वारा जो है कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1901। क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास में नरम दल व गरम दल के बीच जो विभाजन हुआ था, जो कि प्रसिद्ध है सूरत विभाजन के नाम से, जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन था, उसका क्रम संख्या क्या था? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 20वां, ऑप्शन सी 24वां या ऑप्शन डी 23वां। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन नियुक्त कब हुआ? मैंने नियुक्त कब हुआ ये पूछा है, भारत कब आया ये नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1928, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1927 या ऑप्शन डी 8 नवंबर 1928। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? भारतीय इतिहास संघ के इतिहास के संदर्भ में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। पूना पैक्ट जो कि दलित अंबेडकर और महात्मा गांधी से जी से संबंधित है, कब हुआ या अस्तित्व में कब आया था? सितंबर 1932, ए बी सितंबर 1933, सी सितंबर 1931 या डी सितंबर 1930। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सर्वाधिक लंबी अस्थायी या फिर समानांतर सरकार कहाँ चली? ऑप्शन ए सतारा में, ऑप्शन बी बलिया में, ऑप्शन सी बरेली में या ऑप्शन डी नागपुर में या ई अवध में, एफ भी लगा लीजिए मेदिनीपुर में, ठीक है? तो इसका आंसर बताइएगा, ऑप्शन ए सतारा, बी बलिया, सी बरेली, डी नागपुर, ई अवध या एफ मेदिनीपुर। ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? ऑप्शन ए महालवाड़ी, ऑप्शन बी जमींदारी, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी, ऑप्शन डी इस्तमरारी या स्थायी व्यवस्था। सर्वप्रथम संविधान के मूल अधिकार का समाहित करने की बात या प्रस्तावना किस कांग्रेस अधिवेशन की देन मानी जाती है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। स्वराज पार्टी जो कि 5 फरवरी 1922 के विरोध में, चोरा चोरी कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, उसके विरोध में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई, और 1 जनवरी और बाकी वर्ष जो है कौन सा था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1925 या ऑप्शन डी 1924। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1874 या ऑप्शन डी 1875। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी जो कि 1905 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे या ऑप्शन डी शिवनारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था या फिर संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जो इतिहास में प्रचलित आंदोलन है, वो जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था, उसका वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1974। स्वदेशी का प्रस्ताव कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1906। मैंने अधिवेशन की बात की है, कौन किस अधिवेशन में अपनाया गया। तो चलिए, आपने जो है लिख लिए होंगे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। अब जो है मैं जो है आंसर की बोलूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो आंसर की बोलूँगा उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट। ऑप्शन ए जो है 1839, डी है यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है 1839। ऑप्शन दो सी है जो सुकरात वाला क्वेश्चन है, एम जी रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र के।
डीके करवे जो कि स्त्री उत्थान से संबंधित हैं, तीसरे का बी है, चौथे का सी है जो कि दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 5 बी बम्बई। क्वेश्चन नंबर 6 ज्योतिबा फूले बी है इसका। 7 का ए है, सिबली नुमाली वाला जो है ये दारुल उलूम 1984-85 वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। 8वें का डी है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो कि अहमदिया आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद जो है सती प्रथा। 9 का है सी विलियम बेंटिक। 10वें का है बी हॉर्डिंग प्रथम। 11वें का है सी मई 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 12वें का है बी इंडियन स्ट्रगल बुक एस सी बोस सुभाष चंद्र बोस। 13वें का है बी 1904 यानी कि द इंडियन ओपिनियन जो है अफ्रीका में जो है वहाँ की पत्रिका निकाली थी महात्मा गांधी ने। 14वें का है डी 23वां अधिवेशन है सूरत फाड़ जिसे कहा जाता है। 15वें का है ए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति। 16वें का है डी 9 अधिवेशन हुए हैं यूपी में पूना पैक्ट। 17वें का है ए 1932 सितंबर। उसके बाद 18वें का है ए सबसे लंबी पैरेलल सरकार कहाँ चली सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 19 का है सी सबसे बड़ा रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था चली थी देश के 51% ब्रिटिश भूभाग क्षेत्र पर। 20 का है सी लाहौर अधिवेशन में मूल अधिकार से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 21 का है बी 1 जनवरी 1923 सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 22वें का है बी 1873 सत्यशोधक समाज। 23वें का है बी गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 24वें का है डी संपूर्ण क्रांति 1974। 25वें का है डी 1906 कलकत्ता के अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव अपनाया गया। तो कैसा लगा आपको आज का पेपर मॉक टेस्ट जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। हालांकि कुछ सब्सक्राइबर्स जो है पता नहीं हैं अभी ये सब्सक्राइबर्स की नहीं जो हैं मतलब आलोचना बहुत गंदी तरीके से करते हैं तो उनसे आग्रह है कि कृपया करके आप ना देखें। अगर आपको जो है वो उनका कहना है कि सर वीडियो क्यों बनाते हो क्यों किसी की हेल्प करते हो तो दोस्त मैं ये बता दूँ उन सभी को कि मैं ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो जॉब में हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते जिनको हेल्प की ज़रूरत है और मेरा ये वादा है खुद से किया हुआ वादा है कि 24 सितंबर का पेपर और मेरे वीडियोस के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं कितनी सिमिलैरिटी ला सकूँ ये मैंने ठाना है और ये मैं करके रहूँगा। आज का प्रश्न जो है वो सुन लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को किस स्थान या जेल में रखा गया था ये आज का क्वेश्चन है। यदि जेल में रखा गया था या स्थान जो भी है मुझे नहीं पता है आंसर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको किस स्थान पर रखा गया था उस स्थान का नाम। आज का पेपर मैंने इजी बनाया है 18+ जरूर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पेपर ज़रूर बताइए आपको किस तरह का चाहिए हार्ड चाहिए टफ चाहिए इजी चाहिए मॉड्यूलेट चाहिए या एज रिस्पेक्टिव विद UPPCS के ही हम अकॉर्डिंग बनाते हैं। और आज का जो आंसर की का बताने का फॉर्मेट है वो ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे यदि कोई गलती है तो बेशक बेहिचक बताइए उसको हम सुधार करेंगे और अगले वीडियोस में उसको जो है बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वीडियो शेयर ज़रूर करिए। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम फेस आ रही है उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से जो है 25 क्वेश्चंस जो है रोज़ मैं डालूंगा इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड भी होंगे और पेपर के दिन आपको बहुत से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे ये मेरा वादा है। 24 सितंबर के दिन मैं पेपर आपको अपने हाथों में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मेरे वीडियोस में से थे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और शेयर ज़रूर करिए आपके यूट्यूब पर ही शेयर हो जाएगा। लाइक्स करिए और कमेंट करिए कैसा लगा आपको पेपर कितने क्वेश्चंस आपने सही सॉल्व किए और जो है आप क्या चाहते हैं। फ़िलहाल मैं एसे के ऊपर वर्क कर रहा हूँ मेरे कुछ मतलब जो फ्रेंड्स हैं UPSC में जो है अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है मेंस में जो जाना है इसलिए जो है थोड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मेरे जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा अपने फ्रेंड्स के लिए अपने अच्छे सब्सक्राइबर्स के लिए
बहुत ही सभ्य है, सब्सक्राइबर्स भी हैं मेरे पास, तो उन सभी का धन्यवाद, आपका ट्रस्ट इस चैनल को बनाए रखने के लिए धन्यवाद।